ocean. Nearly 4 billion years old. Self-regulating. Self-healing. The source of all life on Earth. Yet it is in danger, threatened by a truly global problem: marine pollution. From the remotest Pacific islands to the bottom of the Mariana Trench, to right here on the beaches of Malta, oil spills, ship emissions, industrial waste, and pesticides all poison vast stretches of water. 10 million tons of litter are dumped in the sea every year, 400 kilos per second. By 2050, our ocean could contain more plastic than fish. Pollution is destroying marine life. Plastics alone are killing 1 million seabirds and 100,000 marine mammals a year. Microplastics threaten to unhinge whole ecosystems. These problems don't stop at sea. Contaminants such as mercury accumulate in the food chain, affecting the health of millions of people. With 80% of marine litter coming from land sources, everyone is responsible. But the solution is at hand, and it offers a great opportunity. Marine pollution costs billions. Switching to circular economies could make up for this loss and more, with environmental, economic, and social gains for all. So to reverse the trend of ever-increasing marine pollution, how can we minimize waste? How can we prevent plastics from reaching the sea? How can we stop marine pollution? आज जानेंगे कि हमारे नीले ग्रह यानी पृथ्वी पर पानी की कमी क्यों है। पानी है तो आनंद है। पानी पृथ्वी के सभी जीवों की आवश्यकता है। कुछ लोग तो इसे नया तेल भी कहते हैं, लेकिन ये सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध क्यों नहीं है? हालांकि पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन हम इसका बहुत छोटा हिस्सा पीने के पानी के रूप में काम में ले सकते हैं। 97% पानी नमकीन है और 2% बर्फ के रूप में है। हालांकि बचा हुआ 1% भी सबके लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसका बंटवारा सही तरह से नहीं हुआ है। आज लगभग 70 करोड़ लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि अजा, जिसे पानी घर लाने के लिए 4 मील पैदल चलना पड़ता है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले टिम को सिर्फ नल खोलना पड़ता है। वो हर दिन 100 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। इस अन्याय के पीछे क्या कारण है? एग्रीकल्चर में खेतों की सिंचाई के लिए भूजल और मार्शलैंड का पानी इस्तेमाल होता है। गर्म और शुष्क क्लाइमेट वाले देशों में ये एक विशेष समस्या होती है। धरती से एक बार निकाला गया पानी वापस अंदर नहीं आ पाता, और ऊपर से जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण इस स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। स्थानीय लोग बंजर जमीन पर रहने को मजबूर हैं, और जिस तरह दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की मांग भी बढ़ रही है। यूएन का अनुमान है कि 2025 तक पानी की मांग आज की तुलना में 40% बढ़ जाएगी। पानी के सोर्सेज के उपयोग को लेकर कई संघर्ष भी होने की उम्मीद है। सरकार और समाज को पानी के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वाटर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। पानी के स्रोतों के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए एक समझदारी भरा फ्रेमवर्क बनाना होगा, क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है।